नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और म्यूजिक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे रागों के वर्गीकरण के बारे में, रागों के क्लासिफिकेशंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, संगीत की दुनिया में कुल 7 स्वर होते हैं, सारेगामा पधानिसा। उसी तरीके से 10 थाट होते हैं और इन 10 थाटों का आधार मानते हैं, इन्हीं में से सभी रागों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य वो है कि थाट्स में आरोह और अवरोह में 7 स्वर लगना अनिवार्य है, क्योंकि थाटों का यही कंडीशन है कि 7 आरोह में लगेंगे। किसी भी तरह के स्वर लग रहे हैं, आरोह और अवरोह में 7 स्वर लगना कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन राग में ऐसा नहीं है, राग में 7 भी लग सकते हैं, 7 से 1 या 2 कम भी लग सकते हैं, मतलब 6 स्वर भी लग सकते हैं और 5 स्वर भी लग सकते हैं। तो जिन सरगम्स में 7 स्वरों का इस्तेमाल होता है, उन सरगम्स को हम संपूर्ण सरगम कहते हैं, और जिन सरगम्स में 5-6 स्वर का इस्तेमाल हो रहा है उनको हम साडव, और जिन में 5 हो रहा है उनको हम ओडव। तो आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण, साडव और ओडव, जिनमें 7 स्वर का इस्तेमाल है वो संपूर्ण सरगम, 6 का हुआ है वो साडव और 5 का है वो ओडव, आप लिख सकते हैं। इन्हीं को आधार मानते हैं, इनको कुल इनका 3 उपवर्ग बनाए गए हैं, संपूर्ण, साडव और ओडव। और इन्हीं को आधार मानते हुए इन उपवर्गों का, जैसे अब हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कि कोई भी राग के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि ये संपूर्ण ओडव है जी, संपूर्ण साडव है, ओडव ओडव है, ओडव ओडव जाति का है। तो ये होता क्या है कि ये जो इसका जो पहला नामकरण है उपवर्ग में, जैसे अब संपूर्ण उपवर्ग मानेंगे तो उसमें एक भाग को हम बोलेंगे संपूर्ण साडव या संपूर्ण ओडव या संपूर्ण 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 संपूर्ण। तो इसमें जो पहला वाला भाग है, जो पहला वाला है वो आरोह को प्रदर्शित करता है और दूसरा वाला भाग है वो अवरोह को, यानी दो चीज़ें हैं ये संपूर्ण संपूर्ण। दो बार रिपीट कर रहे हैं हम, संपूर्ण ओडव। तो इसमें जो पहली वाली जो पंक्ति है वो, पहले वाले जो शब्द है वो उसके आरोह को प्रदर्शित करेगा और दूसरे वाला अवरोह को। तो इस तरह से इनके 3-3 करके ये 9 रूप और बन जाते हैं इनके। तो इस तरह से कुल इनके 9 रूप हैं किसी भी राग के। और ये किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ये इनकी नोटेशंस में या सरगम्स में जो कितने स्वरों की संख्या के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है कि कितने स्वरों की सरगम है और किस राग में कितने स्वर इस्तेमाल किए गए, उसकी जाति को उसी हिसाब से विभाजित किया गया है। तो साथियों, आज एक यही छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।